दर्शकों हरिओम जय श्री राम। आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेके आया हूँ क्योंकि इस विषय से बहुत से लोग परेशान हैं, संतान में देरी के कारण और उपाय। सबसे पहले तो आज मेरा जो फोकस है उन लोगों पर रहेगा जिनकी कुंडली नहीं है, अर्थात जिनका डेट ऑफ बर्थ पक्का पता ही नहीं है, कब पैदा हुए या उनका लिखा ही नहीं गया है, डेट ऑफ बर्थ पता है टाइम का नहीं पता। इस प्रकार से ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जिनकी कुंडली बनाना मुश्किल होता है। तो दर्शकों, क्योंकि एक दो जानकारों का मेरे पास फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि गुरुजी आप जिनकी कुंडली है उनके बारे में तो बताते हो, जिनकी कुंडली नहीं है उनके बारे में भी कुछ बता दिया करो। तो आज सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगा जिनकी कुंडली नहीं है, और उसके बाद स्टार्ट करूँगा जिनकी कुंडली है और उनकी कुंडली के अनुसार, ज्योतिष के अनुसार वो कौन कौन से कारण हैं जिन कारणों से संतान में देरी होती है, उसके उपाय क्या है। देखो, थोड़ा सा फर्क इतना जरूर है कि जिनकी कुंडली होती है वहाँ पर एग्जैक्ट प्रडिक्शन निकालना ज़्यादा आसान होता है और वहाँ का जो स्टीक उपाय बताना ज़्यादा आसान होता है। जिनकी कुंडली नहीं होती वहाँ पर फिर मोटा मोटा सा एक जो सामान्य उपाय हैं वो बताए जाते हैं, पर ये जरूर है कि उस परमपिता परमात्मा का आप नाम यदि श्रद्धा भाव से लेते हो, श्रद्धा भाव से पाठ करते हो तो फलीभूत होगा, आपके प्रारब्ध कटेंगे। प्रारब्ध के जिन पापों से संतान में देरी हो रही है वो पाप दूर हो जाएंगे, तो आपके घर संतान हो जाएगी। तो सबसे पहले तो वो नोट कर ले जिनकी कुंडली नहीं है उनको क्या करना चाहिए। जिनकी कुंडली नहीं है और संतान में देरी हो रही है, शादी को कई साल हो गए हैं और उसके बावजूद भी कोई दवाई भी काम नहीं कर रही है, और ऐसे बहुत से मिल जाएंगे जो छोटे डॉक्टरों से लेकर के बड़े बड़े PGI या एम्स तक के दवाई खा लेते हैं, उसके बावजूद भी उनको घर में संतान की प्राप्ति नहीं होती। तो आपने मेडिकल लाइन में बहुत पैसा वेस्ट कर लिया है, अब थोड़ा सा पैसा अध्यात्म लाइन में लगाओ या खुद कर लो। मैं तो बल्कि खुद करने के पक्ष में होता हूँ। तो सबसे पहले जिनके घर में संतान नहीं है तो वो उन्होंने क्या करना चाहिए। ज़्यादातर केस में ऐसा देखने को मिलता है कि उनके यहाँ पितृदोष मिलता है। ज़्यादातर, मैं ये नहीं कह रहा 100%, ज़्यादातर लोगों के यहाँ पितृदोष मिलता है, सामान्य तौर पर बता रहा हूँ। तो जिनकी कुंडली नहीं है उनको एक तो अपनी पितृ शांति करवा लेनी चाहिए। पितृ शांति में नारायण बलि, त्रिपिंडी श्राद्ध और पितृ गायत्री का जाप ये करवा लेना चाहिए। इसके साथ साथ संतान गोपाल का जो पाठ है वह हर रोज़ करना चाहिए, सुबह शाम दोनों टाइम, सुबह संतान गोपाल का पाठ, शाम को फिर संतान गोपाल का पाठ। यकीन मानिए इस पाठ के प्रभाव से भी आपको वो पाप कट जाएंगे जिन पापों की वजह से आपको संतान नहीं हो रही है। तीसरा है, बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है, हरिवंश पुराण। हरिवंश का पुराण का पाठ करने से ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि ज़्यादातर बेटा ही पैदा होता है। मैं ये 100% तो नहीं कहता, बाकी ऐसा देखने को मिलता है कि हरिवंश पुराण, क्योंकि ये हरि का वंश है। वंश कब चलता है, हमारे शास्त्र भी ये कहते हैं कि वंश चलना हम उसे बोलते हैं जब घर में बेटा पैदा होता है। तो जिनकी पहली बेटी है, दूसरा बेटा चाहते हैं, वो हरिवंश पुराण का पाठ वो भी कर सकते हैं, जिसको भले ही संतान टाइम पे हो रही हो। तो हरिवंश पुराण का पाठ करें, इससे संतान बाधा भी दूर होती है और पुत्र प्राप्ति के चांस भी बढ़ जाते हैं। इसके अलावा एक आपने जरूर ध्यान देनी बात रहनी होगी यहाँ पर कि बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं है। बेटा जितनी सेवा करता है उससे ज़्यादा बल्कि आजकल बेटियाँ ही सेवा करती हैं। तो इस आधार पे तो इसको मत लेना कि हमें तो लड़की चाहिए ही नहीं, क्योंकि लड़की नहीं होगी तो बहू कहाँ से लाओगे। दर्शकों, मैं अब पूर्ण विषय पे आता हूँ कि जिनकी कुंडली नहीं है उन्हें मैंने उनके लिए तीन उपाय बताए हैं। पितृ शांति करवाएं, संतान गोपाल का पाठ करें और हरिवंश पुराण का पाठ करें। ये था जिनकी कुंडली नहीं है और जिनके संतान नहीं है, इन उपाय को करो, परमात्मा ने चाहा तो उनके घर पुत्र रत्न की या पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी।
संतान बेटा बेटी तो परमात्मा की देन है, संतान कम से कम हो जाएगी। विश्वास करके आप इस उपाय को करना, खुद कर सकते हो, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किसी ब्राह्मण से करवाओ। यदि आपके पास टाइम है तो खुद करो, और पूर्ण पाठ होने के बाद उसका हवन जरूर करवा लेना। अब आते हैं इस विषय पे जहाँ कुंडली है, और कुंडली होने के बावजूद भी ये समस्या आपके सामने आ रही है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिन कारणों से संतान बाधा होती है। सामान्य रूप से तो अभी मैंने आपको बता ही दिया, जो लोग पितरों को मानते हैं उनको पितृ शांति करवानी चाहिए, ये उनके लिए भी है, इनके लिए भी है। अब मुख्य रूप से ग्रह कौन कौन से कारण हैं, ग्रह कौन कौन से जिम्मेवार हैं इस काम के लिए, उनके लिए मैं आपसे अब डिस्कस करता हूँ। डिस्कस करने से पहले एक बात, एक विशेष सूचना आपको देना चाहता हूँ, विशेष सूचना नोट कर लें। दर्शकों की मांग थी कि गुरुजी अपना फ़ोन नंबर बताया करो। मैं पंडित महावीर भारद्वाज, मोबाइल नंबर 7027000138। मिलने का जो समय रहता है मेरा, कुरुक्षेत्र हरियाणा में, शाम को 4 से शाम के 7 बजे तक। आजकल कोरोना काल चला हुआ है तो आजकल मैंने घर पे देखना बंद कर दिया है। आजकल केवल व्हाट्सएप के माध्यम से ही डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस और क्वेश्चन मंगवाता हूँ, उसी पे ही कॉलिंग के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से समस्या का समाधान करते हैं। इसलिए जो घर बैठे अपनी कुंडली भी दिखवाना चाहते हैं तो वो इस नंबर पर अपना व्हाट्सएप, अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस और क्वेश्चन लिख करके भेज दें, तो आपका, आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास घर बैठे किया जाएगा। अब आओ मुख्य विषय की तरफ, जो हमारा मुख्य विषय था कि संतान में देरी के कारण। तो सबसे पहले आपको किन बातों का ध्यान देना होगा, अपनी कुंडली में जिनके संतान होने में देरी हो रही है वो अपनी कुंडली देखें, और कारण क्या मिलेगा आपको बता रहा हूँ आपको। पाप ग्रह आपको पता होना चाहिए कौन कौन से हैं। पाप ग्रह में मुख्य रूप से नंबर राहु का नाम आता है, नंबर दो शनि का नाम आता है, नंबर तीन पे केतु का नाम आता है, नंबर चार पे मंगल का नाम आता है, और नंबर पांच पे सूर्य का नाम आता है, और उसके बाद अक्षिण चंद्र और अक्षिण बुध, चंद्र और बुध। अब आप कहेंगे कि सारे ग्रह आ गए, इसमें तो बचा क्या फिर? ये दो ग्रह, ये पाप ग्रह नहीं होते, क्रूर ग्रह भी नहीं होते, मुख्य रूप से ऊपर के 5 ग्रह ही जिम्मेवार हैं। अब ये मैंने इसलिए लिखे हैं, यदि चंद्र क्षीण हो, अर्थात चंद्र की डिग्री काफ़ी कम हो, उस दशा में जो चंद्र है वो पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव रिजल्ट देता है, ऐसे ही बुध यदि अकेले की बजाय किसी ग्रह के साथ बैठा हो, ये ज़्यादातर आपको सूर्य के साथ बैठा नजर आएगा। आपको लगभग 80% कुंडलियों में बुध और सूर्य इकट्ठे मिलेंगे। तो बुध एक ऐसी प्रवृत्ति है, बुध जिसके साथ बैठता है वैसा ही हो जाता है, अर्थात यदि सूर्य के साथ बैठेगा तो सूर्य के जैसा काम करेगा, यदि गुरु के साथ बैठेगा तो गुरु जैसा काम करेगा। तो इस कारण से ये भी इसी दशा में इसे लिखे हैं मैंने कि यदि ये इनके साथ इनकी युति हो तो फिर ये अच्छा काम करने की बजाय बुरा ही करेगा। तो मुख्य रूप से हम आते हैं 5 ग्रहों पे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो 5 ग्रह है कौन कौन सी राशियों में ये उच्च के होते हैं, कौन से में नीच के होते हैं। क्योंकि आज हम देरी की बात कर रहे हैं तो इस कारण से आज हम इनको नीचता की बात करेंगे कि जहर राहु है, राहु राशि नंबर 2 में और राशि नंबर 3 में, राशि नंबर 2 और राशि नंबर 3 में अच्छा रिजल्ट देता है, ऐसे ही राशि नंबर 8 में और राशि नंबर 9 में गलत रिजल्ट देता है, अर्थात ये नीच है और ये उच्च है। कुछ विद्वान तो मानते हैं कि मिथुन राशि, 3 का मतलब मिथुन, 9 का मतलब धनु, 3 में उसके होते हैं, 9 धनु में
या नौवीं राशि में नीच के होते हैं, कुछ विद्वान मानते हैं दूसरी में भी और आठवीं में भी। इस प्रकार से हमें दूसरी और तीसरी दोनों ही माननी चाहिए, क्योंकि विद्वानों की बात को टालना नहीं चाहिए। तो दूसरी तीसरी राशि में उसके काम करेंगे और आठवीं नौवीं राशि में नीच का काम करेगा। ऐसे शनिदेव हैं, शनिदेव सातवीं राशि में उच्च के होते हैं और पहली राशि में नीच के होते हैं। केतु का और राहु का हमेशा उल्टा चलता है। जैसे यहाँ पर दूसरी राशि में राहु उच्च के हैं तो यहाँ पर, और आठवीं नौवीं राशि में नीच के हैं तो केतु क्या होगा, आठवीं नौवीं राशि में उच्च के होंगे और दूसरी और तीसरी राशि में नीच के होंगे, इसका उल्टा होगा। मंगलदेव दसवीं राशि में उच्च के होते हैं और चौथी राशि में नीच के होते हैं। सूर्यदेव एक पहली राशि में उच्च के होते हैं और सातवीं राशि में नीच के होते हैं। सूर्य शनि का भी उल्टा चलता है। देखो ये सातवीं में उच्च हैं, पहली में नीच, यहाँ उल्टा देखो, पहली में उच्च है, सातवीं में नीच है। तो इन राशियों का आपको पता होना ज़रूरी है। अब सबसे ज़्यादा जो खतरनाक स्थिति संतान की वो मिलती है राहु की वजह से, क्योंकि राहु सबसे बड़ा पाप ग्रह माना गया है। यदि यहाँ राहु है, इस भाव में राहु है, राहु यदि यहाँ पर दूसरी या तीसरी राशि में, अर्थात यहाँ राहु लिखा हुआ है कुंडली में और दूसरी या तीसरी राशि साथ में लिखी हुई है, तो फिर आपको ज़्यादा खतरा उठाने की जरूरत नहीं है, फिर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, यदि राहु के साथ आठवीं और नौवीं राशि लिखी हुई है, राहु भी लिखा है साथ में, आठ नंबर है यहाँ पर या नौ नंबर है, तो इसका मतलब ये हुआ आठ या नौ नंबर यदि राहु यहाँ पर है तो उसे नीच का कहेंगे। तो उस दशा में वो इस भाव के पांचवा भाव संतान का भाव होता है, ये ध्यान देना पड़ेगा आपको। पांचवा भाव जो होता है वो संतान का भाव होता है। तो यदि राहु यहाँ पर आठवीं या नौवीं राशि में हो तो देरी करवाएगा। आठवीं नौवीं राशि के अलावा यदि दूसरी तीसरी राशि में उसका हो फिर देरी कम करवाएगा, थोड़ा बहुत प्रभाव देगा। और इसके अलावा जो बाकी की आठ राशियां बची हैं उन आठ राशियों में हो तो उसमें राहु सामान्य देरी कराएगा। मतलब ना तो हम ये कहेंगे कि ऐसी स्थिति होगी कि बच्चे पैदा ही नहीं होंगे, तो देरी जरूर कराएगा, और देरी कितना करवाते हैं वो अलग बात है। इसके अलावा जैसे राहु यहाँ पर है, यदि यहाँ राहु यहाँ हो, राहु यहाँ हो, यहाँ से सातवीं दृष्टि यहाँ आएगी, यहाँ पर भी आठवीं नौवीं राशि में हो, आठवीं और नौवीं राशि में यहाँ पर हो तो यहाँ केतु होगा। जब राहु उसका होता है तो केतु भी उसका होगा, जब केतु नीच का होता है तो राहु भी नीच का होता है। ये दिन दोनों का साथ साथ चलता है। ये राशियाँ उल्टी होती हैं, पर दोनों या दोनों उच्च के ही होंगे या दोनों नीच के ही होंगे। तो यदि राहु यहाँ हो तो यहाँ केतु होगा, केतु पाप ग्रह में आता है, ठीक है। यदि राहु यहाँ पर आठवीं राशि में होगा तो केतु यहाँ दूसरी राशि में होगा, और यदि यहाँ राहु नौवीं राशि में होगा तो केतु तीसरी राशि में होगा। तो दूसरी तीसरी राशि में केतु क्या होता है, नीच का होता है। तो राहु भी नीच का, केतु भी नीच का, राहु की दृष्टि यहाँ पर आई तो राहु की दृष्टि भी साथ में आ गई, केतु साथ में यहाँ था ही, तो उस दशा में भी 100% आपको संतान देरी के कारण बनेंगे। तो ऐसी स्थिति में यदि राहु की वजह से संतान में बाधा है तो आपको राहु का जाप करना चाहिए। राहु के बीज मंत्रों का जाप करो। राहु के बीज मंत्रों के अलावा राहु का कुछ दान भी करना चाहिए, क्योंकि नीच ग्रह का यदि हम दान करते हैं तो अच्छा होता है। हाँ, एक बात ध्यान देना है कि नीच ग्रहों का कोई भी कोई स्टोन धारण ना करो। यदि कोई आपको स्टोन धारण करने के लिए कहे तो भी उसे धारण ना करो। पहला था राहु यहाँ बैठा हो या यहाँ बैठा हो, राहु यहाँ होगा तो केतु यहाँ होगा, केतु यहाँ होगा तो राहु यहाँ होगा। ये जो स्थिति है ये बड़ी खतरनाक स्थिति होती है। इसके अलावा यदि इसी भाव पर मान लो यहाँ राहु है और यहाँ पर किसी दूसरे पाप ग्रह की दृष्टि भी है, जैसे मान लो यहाँ सूर्य भी है, सपोज करो यहाँ सूर्य भी है, तो फिर क्या होगा? यदि यहाँ राहु या केतु में से कोई एक है तो क्या होगा, सूर्य ग्रहण होगा। सूर्य ग्रहण भी होगा, सूर्य राहु नीच के भी होंगे, और इसके अलावा
सूर्य ग्रहण, सूर्य की दृष्टि भी यहाँ आएगी, राहु की दृष्टि भी आएगी, या केतु होगा तो केतु की दृष्टि यहाँ आएगी, सातवीं दृष्टि, तो उस दशा में और ज्यादा विलंब के कारण बनेंगे। राहु यहाँ पर जो जब नीच राशि में होता है तो कई बार मिसकैरेज भी करवाता है, ये आपको ध्यान देनी होगी। कई बार आपने देखा होगा कई लोगों को प्रेगनेंसी तो हो जाती है, पर प्रेगनेंसी के बाद प्रेगनेंसी टिक नहीं पाती, मिसकैरेज हो जाता है। तो मिसकैरेज भी इन्हीं पाप ग्रहों की वजह से ही होता है। अगला जो कारण रहता है राहु के अलावा, यहाँ मैंने केतु बता दिया क्योंकि केतु राहु का साथ साथ चलते हैं, केतु राहु यहाँ होगा तो केतु यहाँ होगा, केतु यहाँ होगा तो राहु यहाँ होगा। इसके अलावा अब शनि भी आ जाओ, यदि यहाँ पर शनि हो, पांचवें भाव में क्या हो, शनि शनिदेव पहली राशि में हो यहाँ पर, अर्थात शनिदेव किस में हो, पहली राशि में, पहली राशि होगी तो यहाँ क्या होगा, 12, 11, 10, 9, अर्थात धनु लग्न होगा। धनु लग्न की कुंडली में यहाँ एक नंबर आएगा और यहाँ शनि शनि हो, शनि क्या होगा, नीच का हो गया। तो जब शनि नीच का होगा तो उस दशा में भी संतान में देरी के चांस बनेंगे। शनि यहाँ नहीं है तो शनि यदि यहाँ एक नंबर का शनि यहाँ हो, अर्थात यहाँ शनि लिखा हो पर यहाँ एक नंबर हो, तो उस समय भी यदि यहाँ एक नंबर होगा तो उसका मतलब यहाँ 12 होगा, तो ये मिथुन लग्न कुंडली बनेगी। मिथुन लग्न में 3, 4, 5, 6, 7, तो यह तुला राशि होगी यहाँ पर। तो तुला राशि के अंदर जो शनि देव जी होते हैं, ये देख लो, तुला राशि में शनि उसके होते हैं और पहली राशि में नीच के होते हैं। तो यदि यहाँ पर शनि हो, पहली राशि में हो, तो यहाँ दृष्टि आएगी, अर्थात नीच ग्रह की दृष्टि यहाँ आएगी, उस समय भी संतान में देरी की संभावना ज़्यादा बनेगी। शनि एक नंबर में यदि यहाँ पर हुआ तो इतना बुरा प्रभाव नहीं देगा संतान के लिए, राजनीति के लिए अच्छा रहेगा, पर संतान के लिए इतना बुरा नहीं होगा, पर थोड़ा सा विलंब जरूर कराएगा। पर यदि एक नंबर की राशि में शनि यहाँ पर हो, फिर ज़्यादा नुकसान कराएगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ दृष्टि पड़ रही है। इसके अलावा शनि की दृष्टियाँ आपको बताया था कल भी तीन होती हैं शनि की दृष्टियाँ, शनि की पहली दृष्टि, सॉरी तीसरी, सातवीं और दसवीं, तीसरी सातवीं और दसवीं। जैसे सपोज यहाँ यहाँ संतान घर है, तो शनि यदि यहाँ हो तो 1, 2, 3, तो यहाँ क्या होगी, तीसरी दृष्टि पड़ गई। यदि शनिदेव यहाँ हो तो भी सातवीं दृष्टि पड़ गई। यदि शनिदेव यहाँ हो इस जगह तो भी क्या होगी, सातवीं दसवीं दृष्टि शनिदेव की पड़ेगी। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो शनिदेव यहाँ हो तो भी विलंब कराएगा, शनिदेव यहाँ हो तो विलंब कराएंगे, शनिदेव यहाँ हो तो भी विलंब करवाएंगे, कि शनिदेव की दृष्टियाँ तीन होती हैं। यदि केवल एक ग्रह का, एक पाप ग्रह का प्रभाव है, दूसरे की दृष्टियाँ इस पर नहीं आई हुई हैं, तो फिर ज़्यादा खतरा नहीं होता, फिर तो ये होता है कि थोड़ी सी देरी के बाद बच्चा हो जाता है, प्रेगनेंसी जल्दी हो जाती है। परंतु यहाँ पर दो पाप ग्रहों का प्रभाव हो, अर्थात एक पाप ग्रह यहाँ बैठा हो, दूसरे पाप ग्रह की दृष्टि इसके ऊपर हो, तो फिर वो योग, देरी का जो योग है और प्रबल हो जाता है, तो उसमें फिर कई कई साल बाद जाके बच्चे पैदा होते हैं। तो इस प्रकार से अपने इन बातों का ध्यान देना होगा। जब एक अकेले का अकेला पाप ग्रह है तो उसमें प्रभाव कम रहेगा, जब पाप ग्रह पर दूसरे कोई प्रभाव पड़ता है, दूसरे पाप ग्रहों का प्रभाव पड़ता है, तो देरी होगी। और यदि दो से ज़्यादा पाप ग्रहों की दृष्टि या दो से ज़्यादा पाप ग्रहों का संबंध इस भाव में हुआ, तो कई बार बच्चे ही पैदा नहीं होते, इवन क्या IVF टेस्ट ट्यूब बेबी भी इनका फेल हो जाता है, खासकर जब यहाँ पर पाप प्रभाव ज़्यादा हो। अब आज मंगल ग्रह पे मंगल की तीन दृष्टियाँ होती हैं, चौथी, सातवीं, आठवीं। यदि मंगल यहाँ हो सामने तो सातवीं दृष्टि होगी, यदि मंगल यहाँ हो इस जगह पर तो मंगल की चौथी दृष्टि होगी। देखिए 1, 2, 3, 4, ऐसे यदि मंगल यहाँ की बजाय
यहाँ पर हो तो मंगल की, सॉरी, मंगल यहाँ हो तो मंगल की आठवीं दृष्टि होगी, यहाँ हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आठवीं दृष्टि होगी, यदि यहाँ हो तो सातवीं होगी, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ हो तो 1 2 3 4 चौथी दृष्टि होगी। तो मंगल की जो होती हैं चार, तीन दृष्टियाँ होती हैं, चौथी, सातवीं और आठवीं। ऐसे शनि की आपको बताई थी, शनि की तीन होती हैं, तीसरी, सातवीं और दसवीं, ठीक है। राहु और केतु की भी तीन तीन दृष्टि होती हैं, पांचवी, सातवीं और नौवीं, केतु की भी सेम है। तो इस प्रकार से दृष्टियों का आपको पता होना चाहिए। बाकी के जो ग्रह बचे हैं उन सब की, हम बृहस्पति की तीन होती हैं, गुरु की भी पांचवी भी होती है, सातवीं भी होती है गुरु की, और नौवीं भी होती है। तो गुरु की दृष्टि भी तीन होती हैं। इसके अलावा शुक्र की एक दृष्टि, सूर्य की एक दृष्टि, चंद्र की एक दृष्टि, और इसके अलावा बुध की भी एक दृष्टि होती है। तो आपने इन बातों का ध्यान देना है। यदि सूर्य यहाँ पर हो या सूर्य यहाँ पर हो, सूर्य की दृष्टि यहाँ आएगी या सूर्य खुद यहाँ बैठा हो, खासकर सूर्य यदि सातवीं राशि का हो यहाँ पर, या सूर्य हो राशि नंबर 7 लिखी हो यहाँ पर, संख्या 7 लिखी हो सूर्य हो, तो भी विलंब करवाएगा। मंगल का बता दिया आपको, यदि ये जो मंगल ग्रह है, जैसे चौथे चौथे घर चौथी राशि में नहीं इसका होता है, मंगल यहाँ 4 नंबर में हो, मंगल यहाँ 4 नंबर में हो, या मंगल यहाँ 4 नंबर की राशि में हो, अर्थात यहाँ 4 लिखा है मंगल लिखा है, 4 लिखा है मंगल लिखा है, 4 लिखा है मंगल लिखा है, या यहाँ पर भी 4 लिखा है और मंगल लिखा है, तो उस दशा में भी ये लेट करवाएगा। तो इस प्रकार से अपने इन बातों का ध्यान देना है कि सूर्य जैसे सातवीं राशि में, मंगल चौथी राशि में, केतु दूसरी या तीसरी राशि में, शनि पहली राशि में, और राहु आठवीं और नौवीं नौवीं राशि में यदि यहाँ बैठे हुए हैं, और साथ में कोई पाप ग्रह की दृष्टि और भी है, तो उस दशा में और ज़्यादा टाइम बढ़ जाएगा। यदि केवल एक रहेगा, पुनः एक बार रिवाइज कर रहा हूँ, यदि केवल एक रहेगा प्रभाव है, तो फिर कुछ टाइम बाद बच्चे हो जाते हैं, थोड़ी सी देरी होती है। दो पाप ग्रहों का प्रभाव है तो फिर जो देरी है और ज़्यादा लंबी हो जाती है, और ऐसे ही ये तीन या ज़्यादा ग्रहों का, तीन या तीन से ज़्यादा पाप ग्रहों का या क्रूर ग्रहों का या प्रभाव या पांचवें भाव पे हो, तो कई बार जातक को संतान ही नहीं होती। तो इस प्रकार से अपने ध्यान देना है। और अब आते हैं उपाय पे। सबसे पहले तो अपने अपनी कुंडली खुद देख लेनी है, कुंडली देख करके ये पता लगा लेना है अभी कौन से ग्रहों की वजह से संतान में देरी हो रही है। जैसे आपने देखा कि राहु की वजह से हो रही है तो राहु का जाप करो, आपको लगा केतु का कारण हो रही है तो केतु का जाप कराओ। वैसे राहु और केतु के जाप तो इकट्ठे होने ही चाहिए, क्योंकि जब राहु खराब होगा तो केतु पक्का खराब होगा, जब राहु अच्छा होता है तो केतु भी अच्छा होता है, तो इस कारण से इनके जाप तो हमेशा दोनों इकट्ठे रहते हैं। बीज मंत्र का जाप करो, यदि यहाँ पर सूर्य बैठे हों तो सूर्य का जाप करो, मंगल बैठे हैं मंगल की वजह से ऐसी गड़बड़ हो रही है तो मंगल का जाप करो, और ऐसे ही पांच के पांच ग्रह जो आपको बताए हैं, यदि यहाँ बैठे हुए हों तो इस ग्रह पर दृष्टि हो, तो उस दशा में उसको नेगेटिव रिजल्ट मिले ही मिलेंगे, खासकर जब नीच राशियों में हो उस समय ज़्यादा मिलता है। तो आज की जो वीडियो है उसमें आज इतना ही करेंगे। थोड़ा सा उपाय नोट कर लो एक बार। उपाय में क्या होगा कि सबसे पहले आपने ये देख लेना है कि यहाँ पर कौन सा ग्रह है, कोई किस ग्रह के प्रभाव से संतान में देरी हो रही है, उसी का बीज मंत्र कर लो, उसके दान करो। दान कैसे करोगे, जैसे राहु का आपने दान करना है तो राहु को दान में क्या करना चाहिए, नीला नीला कपड़ा, जौ, नीली सरसों, काले उड़द और काले तिल, पानी वाला नारियल, और 7 सिक्के एक एक रुपए के, इन सभी को नीले कपड़े में बांध करके एंटी क्लॉक वाइज घुमा करके जिसकी कुंडली में 200 उसके ऊपर को पक्का घुमाना है, अदरवाइज दोनों पति पत्नी इकट्ठे बैठ जाएं और तीसरा उनको ऊपर को एंटी क्लॉक वाइज घुमा दे। 7 बार घुमाने के बाद इसको अपने चलते पानी में डालना है, चलते पानी में डालने के बाद पीछे मुड़ के नहीं देखना और घर आ जाओ, और इस प्रकार से इस उपाय को अपने 7 बार करना है।
और जो सामान लेना है वो सवा सवा मुठ्ठी लेना है, जैसे सवा मुठ्ठी जौ, सवा मुठ्ठी सरसों, सवा मुठ्ठी तिल आदि आदि। ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ, कई बार आपको फिर कन्फ्यूज रहे हैं कि गुरु जी ने मात्रता बताई नहीं। तो इस प्रकार से 7 बार आप कर देना राहु देव का ये उपाय, तो संतान आपकी हो जाएगी। क्योंकि जो उपाय हैं, उपाय भी एक तरह से टोटके ही होते हैं, उपाय एक तरह से परमात्मा का नाम होता है, उन परमात्मा के द्वारा बनाए हुए जो नियम है, कर्म का नियम उसको प्रभावित करेगा। क्योंकि जब हम कोई पुण्य काम करेंगे, पुण्य कर्म के प्रभाव से हमारे प्रारब्ध कटेंगे, प्रारब्ध के जो बुरे काम हैं वो बुरे कामों का जो हमें दंड मिल रहा है वो कम हो जाएगा, और परमात्मा ने चाहता अगर संतान हो जाएगी। ग्रहों के दान के अलावा आप अपनी कुंडली किसी पे दिखलवा भी लेना, क्योंकि कुंडली दिखलवा लेनी चाहिए, उसके बाद ही कोई दान वगैरह करना चाहिए। हाँ, इसके अलावा आप ये इन ग्रहों के दान के अलावा जिन भी जातकों की संतान देर में हो रही है, संतान में देरी है, प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो उनको पितृ शांति उनको भी करवानी चाहिए, संतान गोपाल पाठ का उनको करना चाहिए, और हरिवंश पुराण का पाठ भी उनको करना चाहिए। ये 18 पुराणों में से एक पुराण है हमारा हरिवंश पुराण। ये भगवान के वंश का ये वर्णन है, इस कारण से इसको पढ़ने से वंश वृद्धि होती है। ठीक है, तो आज की वीडियो में आज इतना ही। अब आप इस वीडियो को यदि आपको लगता है कि कुछ ज्ञान मिला है तो सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, और इसके अलावा बेल आइकन दबाएं ताकि जो भी वीडियो अगली बनेगी सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत।